कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने जा रही आम आदमी पार्टी में फूट की खबर सामने आ रही है। पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव सहित 90 कार्यकर्ताओं ने पार्टी में उपेक्षा के चलते पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एमपी में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पैर जमाने की तैयारी में लगी है। वहीं छतरपुर में आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर छतरपुर आई है। उसी दौरान पार्टी में नए नए शामिल हुए बीपी चंसोरिया ने प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रजेश कुमार पाठक को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में डालकर प्रचार करवाऊंगा। इस धमकी से प्रदेश संयुक्त सचिव भड़क गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ब्रजेश कुमार पाठक ने कहा कि जब पार्टी में पुराने लोगों का सम्मान नहीं है तो फिर उस पार्टी में रहने से क्या फायदा है, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हाँ, ये ही कह रहे हैं कि बोले वो आपको हम गाड़ी में डाल के ले चलेंगे, प्रचार करना पड़ेगा हमारे साथ, हमने क्यों करना पड़ेगा भाई। अरे अब हैं नए नए सदस्य है, ये देने दो, धमकी से क्या होता है। हम लोगों ने रिजाइन ही मार दिया है, क्यों काम करेंगे भाई। 90 से 100 लोगों ने इस्तीफा दिया है आज हमारे साथ। क्या कारण है? यही है, पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जो पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, है कि नहीं? जब सम्मान नहीं मिलेगा, उनका मान किया जाएगा मंच पे, तो स्वाभाविक है कि इस्तीफा दे। आगामी विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों में एक भी सीट नहीं आ रही है आम आदमी की, वही पार्टी में फूटन हो गई है। वहीं पार्टी में फूट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पार्टी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी दम से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल ऐसा तो अभी मेरे समझ नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो उस पर बातचीत होगी और उसके हिसाब से हम सब एक हैं, परिवार है, छोटी मोटी बातें होती होंगी जरूर जो आप सबके समझ आई हैं, लेकिन हम सब एक हैं और इसके हिसाब से आगे संगठन की पूरी तैयारी चल रही है, बढ़ रहे हैं और पूरे मजबूती से चुनाव। नहीं, हमारे समझ तो कोई ऐसी बातें नहीं आई हैं अभी तक, तो नहीं आई हैं। आपके समझ आई होंगी तो मुझे इसकी जानकारी होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।